हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल टेक ज्ञान स्प्रेड। तो आज के इस वाले वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एटम बग फैन के सर्विसेज के बारे में। तो आज के इस वाले वीडियो में आप लोग को जानने को मिलेगा कि एटम बग फैन का सर्विसेज कैसा है। अगर आप लोग इस फैन को लेना चाहते हो तो इस वीडियो को जरूर से ज़रूर देख लेना, क्योंकि इसमें जो मैं आपको बताने वाला हूँ इसके बाद आप लोग डिसाइड कर लोगे आसानी से कि आपको ये फ़ैन को लेना है या फिर नहीं लेना है। तो इस वीडियो को आप लोग फुल वॉच करना, और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से ज़रूर प्रेस कर देना, क्योंकि मैं देख रहा हूँ आप लोग वीडियो तो ज़रूर देखते हो बट आप लोग यहाँ पर लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते हो। तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करो, बहुत ही मेहनत लगता है वीडियो बनाने में, वीडियो एडिट करने में। तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट देखो थोड़ा सा मुझे भी। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ इसके सर्विसेज के बारे में। तो मेरे फ़ैन को लिए हुए अभी 3 मंथ से ज़्यादा समय नहीं हुआ है, और एक दिन ठंडा स्टॉर्म हो रहा था और शाम का टाइम था, तो बोल सकते बारिश का समय अभी, तो बारिश हो रहा था। तो बारिश स्टार्ट हो गई तो अचानक से एक बार बिजली कसकी कड़का और उस फैन का पीसीबी जल गया। ठीक है, सैटरडे का टाइम था और मैं सोचा अब तो मुझे कंप्लेंट करना होगा सर्विस सेंटर में, नहीं तो मुझे गर्मी में सोना पड़ जाएगा। और 6:30 से ऊपर हो चुका था, तो जब जैसे ही मैं सर्विस सेंटर में कॉल किया तो वहां से मुझे पता चला कि वर्किंग आवर है 9:30 AM से 6:30 PM, ठीक है, शाम के 6:30 बजे तक, और सुबह के 9:30 बजे से काम स्टार्टिंग होता है और शाम के 6:30 बजे तक एंड हो जाता है। तो मैं उसके बाद मुझे ये भी पता चला कि संडे के दिन छुट्टी रहता है, कोई भी कस्टमर सर्विस में आपका कंप्लेन रजिस्टर करने के लिए नहीं रहता है। ठीक है, तो मैं जान गया था कि इनका एक दिन तो छुट्टी ही रहता है, और इनका वर्किंग आवर है 9:30 AM टू 6:30 PM। तो मुझे अब कंप्लेन रजिस्टर करना था, तो मुझे एक दिन का वेट करना पड़ा। मुझे ये बहुत ही घटिया सर्विस लगा कि एक दिन का टाइम आप छुट्टी ले रहे हो। ऐसे अदर कंपनियां अपने कस्टमर सर्विस में नहीं करती है, वो अपने वर्किंग आवर को 7 डेज वर्क करते हैं बट आपको सर्विस भी 7 डेज प्रोवाइड करते हैं। इनका सर्विस भी एक दिन संडे के टाइम बंद रहता है, चाहे आप कंप्लेन कर दी हो तो संडे के टाइम कोई भी टेक्नीशियन विजिट नहीं करेंगे और ना ही कोई कंप्लेन आपका यहाँ पर रजिस्टर होगा। ठीक है, तो मैं समझ गया था मुझे कंप्लेन तो करना था, तो मैं एक दिन का वेट कर लिया। अब चलो मंडे का टाइम हो चुका था, 9:30 AM हो गया था। ठीक है, तो मैं कंप्लेन रजिस्टर किया। जैसे ही कंप्लेन रजिस्टर किया तो उन्होंने मेरा कंप्लेन तो रजिस्टर कर लिया, साथ ही साथ मुझे बताया कि आपका एक टिकट जनरेट हो गया है कंप्लेन का, और बोले कि 48 आवर में एक टेक्नीशियन आएगा और आपके फैन को चेक कर लेगा, क्या प्रॉब्लम है वो ठीक करके चला जाएगा। तो मैं बोला ठीक है, तो 48 आवर का मैं अब वेट करने लग गया था, लेकिन 48 आवर के पहले ही मेरे घर में टेक्नीशियन विजिट कर लिए थे। 48 आवर से ज़्यादा ही, मतलब 24 आवर से ज़्यादा ही लग गया, हाँ बोल सकते हो 48 आवर होने ही वाला था बट टेक्नीशियन विजिट कर लिया। ठीक है, कोई बात नहीं, सर्विस थोड़ा सा डिले है। मैं बोलूँगा अगर आप एक अच्छी कंपनी हो तो सर्विस को थोड़ा फास्ट करो। तो चलो कोई नहीं, 48 आवर में टेक्नीशियन तो मेरे घर आ गए। 2 दिन का समय मुझे लग गया था फैन को ठीक कराने का, और एक दिन तो हॉलीडे पड़ रहा था संडे के दिन। तो अब वहाँ से टेक्नीशियन पार्ट्स लेकर आए कि यह पीसीबी का पार्ट जल गया होगा तो मैं चेंज कर दूँगा और इसके फैन को बना कर चले जाऊँगा। तो मेरा फ़ैन जो है न्यू मॉडल का है, आपको पता होगा 2023 में एटम बग न्यू मॉडल का फ़ैन यहाँ पर बना रहा है और न्यू मॉडल का फ़ैन को मार्केट में उतार रहा है, जिसमें ऊपर में पीसीबी नहीं होता है। ठीक है, अगर आपका फ़ैन चल जाता है तो वो जो होता है बीच में नीचे के साइड में उसका हेड में एक ही पीसीबी होता है, और वही पीसीबी को आपको चेंज करवाना होता है। तो वो अपने ओल्ड वाले मॉडल का पीसीबी लेके आए थे, जो कि ऊपर वाले में पीसीबी होता था और नीचे भी पीसीबी होता था, तो 2 पीसीबी होता था उसमें। तो वो लेके आए, सोचे इनके पास ओल्ड वाला पीसीबी होगा, सॉरी
तो वो सोचे इनके पास ओल्ड वाला फ़ैन होगा तो मैं इनका फ़ैन रिपेयर करके चला जाऊंगा। तो वो तो आए, उनको जो पीसीबी दे के भेजा गया वो लेके आ गए। अब मैं यहाँ पर जब देख रहा हूँ, उन्होंने फ़ैन उतारा, फ़ैन उतारने के बाद उन्होंने जब फ़ैन को खोला तो देखा उसमें एक ही पीसीबी है, ऊपर तो पीसीबी है नहीं है। तो वो अपने ओनर को कॉल किया और पूछे कि इसमें तो नीचे पीसीबी है, ऊपर पीसीबी नहीं है, तो इसको मैं कैसे ठीक करूँ। तो वो बोले ये न्यू मॉडल है और इसी साल इस न्यू मॉडल को एटमबग अपने न्यू प्रोडक्ट में उतार रहा है ताकि ऊपर वाला पीसीबी को हटा के न्यू मॉडल और थोड़ा सा लाइट वेट बनाया जा सके। तो उन्होंने बोला कि मेरे पास तो अभी इनका पीसीबी नहीं है, इस मॉडल का अभी पीसीबी नहीं है, तो जैसे ही पीसीबी आ जाता है तो मैं आपको पीसीबी प्रोवाइड कर दूँगा और आपका जो है फैन बना के चला जाऊँगा। 3 दिन का वर्किंग टाइम लगेगा, 3 दिन के बाद मैं आपका मेरे पास पीसीबी आ जाएगा तो मैं आपका फ़ैन बना के चला जाऊँगा। तो बोला ठीक है, अब 4 दिन वेट कर लिया तो और 3 दिन क्यों कर ही लेता हूँ, जब पीसीबी आ जाए तो आप लगा के चले जाना। बोला ठीक है, तो मैं थोड़ा 3 दिन का वेट कर लिया। वेट करने के बाद मुझे हो गया था टोटल 7 दिन, ठीक है। तो 7 दिन के बाद मैं कॉल करता हूँ तो वो बोलते हैं मेरे पास अभी पीसीबी नहीं आया है, तो जैसे आ जाता है तो मैं ज़रूर लगा दूंगा, ठीक है। तो मैं बोला गर्मी का टाइम है, आप तो बोल रहे पीसीबी नहीं आया है, आप बोले थे 3 दिन में आ जाएगा। तो बोले कि आप एटमबग के कस्टमर सर्विस में एक बार कंप्लेंट कर दीजिए, ठीक है, अगर मेरे पास आ जाता है उनके वहाँ से आएगा, ठीक है। तो बोला मैं कर देता हूँ फिर से। तो मैं फिर से जब कंप्लेंट किया, बताया ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, मेरा पीसीबी जल गया है, मेरा फैन नहीं चल रहा है, गर्मी का टाइम है, मेरा पीसीबी जल्द से जल्द भेजिए। तो जब वह बोला इस तरह का तो वो बोले ठीक है, आप 1 से 2 दिन वेट कर लीजिए, आपका पीसीबी ऑन द वे है ट्रांसपोर्ट में और जैसे आ जाता है वो चेंज कर देंगे। तो बोला अब ऑन द वे है तो 1-2 दिन में आ ही जाएगा, मैं सोच रहा था तो वेट कर लिया। अब 1-2 दिन करके 1-2 दिन भी गुजर गया, ठीक है, 1-2 दिन गुजर गया। अब मैं फिर से कंप्लेन के लिए कॉल किया, आप बोले थे 1-2 दिन यहाँ पर हो जाएगा तो आपका पीसीबी आ जाएगा और चेंज करके वो चले जाएंगे। अब तो मुझे 8 से 9 दिन हो गए। बोले सॉरी सर, मेरे यहाँ हॉलीडे पड़ रहा था 1-2-3 तारीख है, जो कि कुछ कुछ हॉलीडे है महाराष्ट्र में, वो बोले महाराष्ट्र दिवस है और संडे पड़ रहा है और माघी पूर्णिमा या कुछ ऐसे ही बोले। तो मैं बोला आपके यहाँ हॉलीडे है, ठीक है, मैं भी जानता हूँ 1-2 दिन हॉलीडे रहता है, ठीक है, आप किसी भी ऑनलाइन साइट से अगर कोई भी चीज़ मंगाते हो तो कितना दिन में प्रोडक्ट आता है, जनरली 4 से 5 दिन, ठीक है, मैं भी मानता हूँ 4 से 5 दिन आता है, ज़्यादा से ज़्यादा होता है 6 दिन, ठीक है। तो मेरे को यहाँ पर अभी तक कंप्लेंट किए हुए यहाँ पर कितना दिन हो गया है अब जोड़ो तो 11 डेज उनको गिनाया, ठीक है, 11 डेज गिनाया। तो वो बोले सॉरी माफ़ी चाहता हूँ, तो वो लोग बोले सॉरी माफ़ी चाहूँगा सर, आपको इतना प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है, 11 दिन का टाइम हो गया और आपका फैन नहीं बन पाया है। तो मुझे मजबूरी में इनका एटम बग का ग्रीवेंस सेल में जाके कंप्लेन करना पड़ा था, मजबूरी में मुझे ग्रीवेंस सेल में इनका कंप्लेन करना पड़ा एटम बग का ग्रीवेंस सेल में, ठीक है। तो मैं जैसे कॉल किया तो उन्होंने कॉल पिक नहीं किया, फिर उधर से कॉल आता है मुझे कि मैं ग्रीवेंस सेल से बोल रही हूँ एटम बग का, तो आपका क्या कंप्लेन है आप बता सकते हैं। तो मैं उनको बता दिया कि ऐसे ऐसे मेरा पीसीबी चल गया है, इतना दिन हो गया है, 11 से 12 दिन हो गया है और अभी तक मेरा फैन रिपेयर नहीं हो रहा है। तो उनको बताया तो बोला ठीक है, मैं जल्द से जल्द आपका फ़ैन बनवाने की कोशिश कर देती हूँ और मैं इमिडिएटली आपको फ़ैन बनवा देती हूँ। तो जैसे ही कॉल लिया तो शाम को टेक्नीशियन मेरे घर में विजिट कर दिए और वो फ़ैन का पीसीबी तो लेकर आए, बट वो पीसीबी जो था वो दूसरे मॉडल का था, ठीक है, मुझे पता नहीं चला पहले उसमें, और वो टेक्नीशियन पहले लगा के चला गया। जब टेक्नीशियन उसे लगा के चला गया तो फैन मेरा वर्किंग में आ गया, वर्क तो कर रहा था, लेकिन जो मेरा मॉडल था उस फैन का पीसीबी वो नहीं था। तो मैं सोचा इसमें वाइट कलर का बल्ब जल रहा है, मेरे में तो 6 LED था,
ब्लू कलर का और इसमें सिंगल वाइट कलर का LED था, ठीक है। तो मैं फिर से एक बार कंप्लेन किया कि मेरा PCB में ऐसा ऐसा लगा के चले रहे हैं, तो वो लोग बोले कि मैं इमिडिएटली चेंज करा देता हूँ जो ओरिजिनल PCB है, तो वो चेंज करा देते हैं। तो जैसे ही कॉल किया तो वो बोले थोड़ा सा टाइम लगेगा सर, 24 आवर या फिर 48 आवर। तो बोला ठीक है, आप लोग इतना टाइम लगा ही दिए तो मेरा फ़ैन चल ही रहा है, तो थोड़ा सा और 2-3 वेट ही कर लेता हूँ। मेरा फ़ैन तो वर्किंग में है, बट आप सिर्फ PCB चेंज करना है, आपको ओरिजिनल मॉडल का ओरिजिनल PCB लगाना है। तो 24 आवर to 48 आवर लग गया उनको आने में, और वो फिर से PCB चेंज किए। इस बार जो है ओरिजिनल PCB लगा के गए, ठीक है। ओरिजिनल PCB लगाने के बाद क्या हुआ, 6 से 7 दिन के बाद मेरा फ़ैन जो है फिर से ख़राब हो गया। इस बार कोई भी थंडर स्टॉर्म नहीं हुआ और ना ही कोई शॉर्ट सर्किट हुआ, ना ही रेगुलेटर है मेरे फ़ैन में। तो इस बार मेरा वर्किंग नहीं कर रहा है, रिमोट से वर्किंग ही नहीं कर रहा है, ना ही मेरे मोबाइल से वर्क कर रहा है, क्योंकि मेरा रेडमी डिवाइस है, ठीक है। रेडमी डिवाइस में आईआर ब्लास्टर होता है, जिससे आप अपने फ़ैन को, TV को, सभी चीज़ को कंट्रोल कर सकते हो। तो यहाँ पर मेरा फ़ैन वर्किंग नहीं कर रहा है, तो मैं उनको फिर से कंप्लेन किया। तो बोले 6 दिन ही हुआ है अभी तक इसे बनाया हुआ और ये फिर से वर्किंग नहीं कर रहा है। तो बोले ठीक है, मैं जल्दी से जल्दी बनाने का कोशिश करता हूँ। तो वो फिर से 48 आवर लिया, एक टेक्नीशियन विजिट किया और फिर से न्यू PCB लगा के गए, और इस बार मेरा फ़ैन वर्किंग में है और अच्छे से चल रहा है। बट मैं बोलूँगा इनका सर्विस बहुत ही घटिया है। अगर आप मेरे इस वीडियो को देख रहे हो एटमबग सर्विस सेंटर वाले या फिर एटमबग फैन के कंपनी वाले, तो मैं आपको बोलूँगा आप एक तो 60 डेज का वर्किंग आवर दे रहे हो, ठीक है, लेकिन आप वर्किंग डेज एक दिन और क्यों नहीं देते हो। जिनको संडे को कंप्लेन करना है तो वो संडे को कैसे करेंगे, अगर उनका एक दिन पहले रात को फैन ख़राब हुआ है तो संडे तो ऐसे ही उनको सोना पड़ जाएगा गर्मी के टाइम, और एक दिन ऐसे ही जाया चला जाएगा। ना ही आप कंप्लेन रजिस्टर करोगे, ना ही आप टेक्नीशियन भेजोगे। 24 आवर आपका 48 आवर लग जाता है टेक्नीशियन आने में, आपका पार्ट चेंज करने में पार्ट ही अवेलेबल नहीं है। तो मैं बोलूँगा आप पहले तो पार्ट्स अवेलेबल करा दो, या फिर आप टेक्नीशियन या फिर आप कंप्लेंट को जल्दी से जल्दी रजिस्टर करो और यहाँ पर प्रॉब्लम को जल्दी से जल्दी सॉल्व करने की कोशिश करो। मैं आपको फीडबैक दे रहा हूँ, अगर आपका ये फीडबैक सुन रहे हो, देख रहे हो, तो ज़रूर से अप्लाई करने की कोशिश करना। नहीं तो मैं बोलूँगा आपका कंपनी का फैन ऐसे तो कोई लेना नहीं चाहेगा, जो एज ए कस्टमर बोल रहा हूँ। तो और जो लोग मुझे देख रहे हैं टम्बक फैन लेने की सोच रहे हैं, तो आप पहले अपने एरिया में पता करो कि आपको सर्विस कैसा मिलेगा। नहीं तो अदर कंपनीज हैं जो कि आपको अच्छे सर्विस प्रोवाइड करते हैं, एक तो पैसा भी ज़्यादा ले रहे हैं। मानता हूँ कि इसमें वारंटी 3 साल का मिल जाता है, बट वारंटी का करूँगा क्या जब आप सर्विस ही अच्छे प्रॉपर वे से दोगे नहीं, तो वारंटी का मैं क्या कर लूँगा बताओ। तो आप एक तो प्रॉपर वे से सर्विसेज दो, नहीं तो आप वो यहाँ पर अपने प्रोडक्ट को अच्छा बनाओ या फिर टेक्नीशियन को विजिट कराओ, जल्दी से जल्दी प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करो, पार्ट्स अवेलेबल कराओ सभी यहाँ पर टेक्नीशियन के पास, ताकि आपका सर्विस थोड़ा सा फास्ट हो सके। नहीं तो फिर अदर कंपनीज है, अदर कंपनीज के और हम लोग जाएंगे, ठीक है। यही आपको बताना था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना।